हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 रिजल्ट आ चुका है और अब एक जो प्रश्न उठता है कि मेरा मार्क्स कितना है वो भी आपको पता चल गया। उसके बाद कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो ये वैकेंसी स्टेट वाइज है, स्टेट यूटी के अकॉर्डिंग है वैकेंसी। कुछ स्टेट में हमारा जीरो वैकेंसी था तो उनका यहाँ पर कैंडिडेट्स अवेलेबल में नाम नहीं आया, और वैकेंसी होने के बावजूद भी यदि एक भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो भी नाम नहीं आया। अब एक बात कि किन राज्यों में वैकेंसी खाली रह जाएगी, देखिए कुछ राज्यों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जिनमें वैकेंसी खाली जाएगी। तो मिनिमम कट ऑफ कितना है? अब मिनिमम कट ऑफ है यूआर के लिए 30, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25 और ऑल अदर कैटेगरी जो है उनके लिए 20 है, और 12 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। जैसे कि हम एसएसएफ की यदि हम बात करें तो एसएसएफ में जितना भी कैंडिडेट्स है अवेलेबल, ये एसएसएफ है फीमेल। एसएसएफ फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एसएसएफ ऑल इंडिया वैकेंसी है। एसएसएफ की यदि हम बात करें फीमेल की कितनी वैकेंसी है, तो एसएसएफ की फीमेल की एससी एससी का एसएसएफ का 7 वैकेंसी, एससी का 7 वैकेंसी है। एसटी की 3 वैकेंसी है, तो एसटी का 3 यानी 15 3 45 हो गया। ओबीसी की कितनी है, ओबीसी की बता देते हैं आपको, ओबीसी की 11 वैकेंसी है। यूआर की कितनी है, यूआर की 21 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है, यानी कि पूरा पूरा सभी 15 जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं सब 15 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब कि कैंडिडेट पूरे हैं, और यही वजह ये रही है कि अब जो कैंडिडेट्स हमारे एसएसएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, दूसरा जो उनका चॉइस है वो मिल जाएगा। अब हम बात करें एसएसएफ मेल, तो एसएसएफ मेल में भी वही है कितनी वैकेंसी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एसएसएफ मेल का डाउट था कि वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी एससी की यदि हम बात करें तो एससी का 28 वैकेंसी, एससी की 28 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जो है वो 19 वैकेंसी, 15-19 पूरा पूरा 285 होता है। एसटी की यदि हम बात करते हैं तो पूरा इसका पूरा पूरा आधा हो गया, 28 का आधा 14 और 420 का आधा 210। और एक्स सर्विसमैन जो है वो जितनी वैकेंसी है उसका 10%, तो ये 1260 वैकेंसी टोटल है। 1260 का 10% यानी 126 वैकेंसी होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो ओबीसी का 49 वैकेंसी है यहाँ पर, और यूआर की यदि हम बात करें तो 84 वैकेंसी है, 15-820 और 15-460 पूरा पूरा है। अब ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि 23.75 देखिए ईडब्ल्यूएस जो है हमारे, उनका भी ईडब्ल्यूएस भी जो एक्स सर्विसमैन है, सॉरी 360 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 39 पॉइंट कितना लेना है, टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी एसएसएफ के लिए 194 वैकेंसी, 194 और 194 पर 10% यानी कि 20 हो सकता है, 21 22 23 24 तक हो सकता है जो एक्स सर्विसमैन है। तो ये देख लीजिए आप कितना कैंडिडेट हैं, यहां पर भी कट ऑफ छूटेगा। अब हम बात करते हैं कि कहां खाली जाएगा, वो खाली जाएगा वो आपको दिखाते हैं, और खाली क्यों जाएगा। ये देखिए जहां देखिए जैसे आंध्र प्रदेश की हम बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स का है ये, आंध्र प्रदेश फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर कितना कट ऑफ रहा है ईडब्ल्यूएस का, आंध्र प्रदेश फीमेल कैंडिडेट्स जर्नल डिस्ट्रिक्ट एरिया और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 57 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, और जर्नल डिस्ट्रिक्ट में 83 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। अब हम फीमेल की वैकेंसी देखते हैं कि टोटल फीमेल का जर्नल डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है फीमेल की,
आंध्र प्रदेश ईडब्ल्यूएस के यदि हम बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में 7 वैकेंसी है, जनरल डिस्ट्रिक्ट 7 वैकेंसी है आंध्र प्रदेश फीमेल। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो नक्सल में फीमेल की कितनी वैकेंसी है, नक्सल में फीमेल की वैकेंसी जो है वो दिखा देते हैं आपको, ये बॉर्डर का है, नक्सल में फीमेल की ईडब्ल्यूएस जो है वो 8 वैकेंसी है, तो 12 गुना तो नहीं हुआ, 8 × 3 = 24 का मेडिकल होगा। यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्वालिफाई कितने कैंडिडेट्स हो पाते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। अब हम चलते हैं हमारे खाली रहने वाले जो है उनकी हम बात करें, मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर में क्या होगा, मेल कैंडिडेट्स पर हम चलते हैं, दादर एंड नगर हवेली की यदि हम बात करते हैं तो देखिए दादर एंड नगर हवेली जो है अंडमान निकोबार्स की यदि हम बात करें, अंडमान निकोबार्स में 3 वैकेंसी है टोटल। सबसे पहले अंडमान से आपको दिखा देते हैं, अंडमान में 3 वैकेंसी है और अंडमान निकोबार में टोटल 12 × 3 = 36, 3 के पीछे 36 कैंडिडेट हैं। तो जो पिछली बार ऐसा हुआ था कि अंडमान निकोबार्स का खाली चला गया, लेकिन अब हम आते हैं दादरा एंड नगर हवेली, तो यहाँ एसटी दादर एंड नगर हवेली में जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट है और जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी, एसटी के लिए कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 24 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, यूआर के लिए 37 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और ये 30.58 पे रहा है, ये 23.39 पे रहा है। तो एसटी की कितनी वैकेंसी है वो बता देता हूं आपको, एसटी की 2 वैकेंसी है दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली की 2 वैकेंसी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की है और 1 वैकेंसी जो है वो यूआर की है। तो 1 वैकेंसी के लिए ही 12 या 36, अब 37 क्यों ले लिया, 37 इसलिए ले लिया कि जब बराबर मार्क्स पर आ गए होंगे 2 कैंडिडेट तो वो, तो 2 और 1 टोटल 3 वैकेंसी है। और ऐसे ही हम बात करें गोवा की यदि हम बात करते हैं, गोवा जो खाली रहेगी वो भी हम आपको दिखा देते हैं, देखिए जहां पर कम है, गोवा की यदि हम बात करें, गोवा में जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी ओबीसी और यूआर है, तो गोवा की जो वैकेंसी है उसको हम देखते हैं, गोवा में एससी की वैकेंसी नहीं है इसलिए एससी यहां पर शो नहीं किया। गोवा में जो वैकेंसी है वो टोटल 17 वैकेंसी है, उस 17 में यूआर की कितनी वैकेंसी है, गोवा में यूआर की 12 वैकेंसी है और गोवा में ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी है लेकिन ईडब्ल्यूएस का एक भी कैंडिडेट नहीं आया, 1 वैकेंसी गोवा में ईडब्ल्यूएस की है, 1 भी कैंडिडेट नहीं आया, तो वो वैकेंसी क्या होगी, वो यूआर में शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा रूल है। यानी कि यूआर की ही कितनी हो गई, 13 हो गई, लेकिन 13 के भी 13 × 12 नहीं हुए कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट्स कितना अवेलेबल है, 58 अवेलेबल है। ओबीसी की कितने हैं, ओबीसी की यहां पर 3 वैकेंसी है गोवा में, ओबीसी की 3 वैकेंसी है तो 3 पर देख लीजिए, 3 × 12 = 36 होना चाहिए था, 3 के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल होगा, यहां पर 12 × 36 का मेडिकल होगा, यानी कि जो लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे उनका नाम आ जाएगा। और एसटी की कितनी वैकेंसी है गोवा में, एसटी की गोवा में
एक वैकेंसी है, एक के पीछे 10 कैंडिडेट हैं, 3 को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन है। अब कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, ऐसे ही गुजरात में देखिए बॉर्डर और जनरल दोनों में ईडब्ल्यूएस है, बॉर्डर और जनरल दोनों में ईडब्ल्यूएस है। गुजरात के लिए हम बात करें तो बॉर्डर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया ईडब्ल्यूएस 65 कैंडिडेट्स हैं। 65 को आप गुना कर लीजिए 12 से, 12 6 72 और 12 5 60, पूरा पूरा हो गया। लेकिन गुजरात ईडब्ल्यूएस यदि हम बात करें बॉर्डर की, तो गुजरात ईडब्ल्यूएस बॉर्डर नो वैकेंसी है। गुजरात ईडब्ल्यूएस बॉर्डर नो वैकेंसी है, नो पे 12 नो 108 कैंडिडेट होना चाहिए था, 9 30 27 को तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और 56 यानी 27 2 54। अब इसमें से कितने एबसेंट हो जाते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं, अभी जो रनिंग हो रही है उसके आधार पर, तो अभी कल रनिंग हुई थी, लगभग 30% कैंडिडेट्स रनिंग क्वालिफाई हुए थे। तो जो गोवा, ये गुजरात बॉर्डर ईडब्ल्यूएस है, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि जो लगभग क्वालिफाई हो जाएंगे उनका सबका चांसेस यहाँ बन जाएगा, क्योंकि हाइट में भी निकलेंगे कैंडिडेट्स। और अब हम बात करते हैं हमारा मणिपुर नागालैंड जैसे स्टेट हैं उन, महाराष्ट्र नक्सल ईडब्ल्यूएस और महाराष्ट्र जनरल ईडब्ल्यूएस दोनों में है। महाराष्ट्र नक्सल ईडब्ल्यूएस सिर्फ 20 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र नक्सल ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र के, ईडब्ल्यूएस 13, महाराष्ट्र नक्सल ईडब्ल्यूएस 13 वैकेंसी है। महाराष्ट्र नक्सल ईडब्ल्यूएस 13 वैकेंसी है, 13 के लिए कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 20 हैं, यानी कि जो क्वालिफाई हो जाएंगे, रनिंग क्वालिफाई कर गए, पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर गए, वो लगभग सभी भर्ती हो जाएंगे। और हो सकता है यहां पर वैकेंसी जो है वो खाली भी चली जाए। और आपको दिखा देते हैं आगे मणिपुर, देखिए अब हम मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में वैकेंसी खाली जाने वाला, मणिपुर में वैकेंसी खाली जाने वाला है। मणिपुर की यदि हम बात करें तो मणिपुर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करें, मणिपुर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है। मणिपुर जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी में 24 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। मणिपुर जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी की 2 वैकेंसी हैं, 2 पे 24 अवेलेबल हैं। मणिपुर एसटी 39 कैंडिडेट्स, 39 वैकेंसी है। और मणिपुर सॉरी जनरल डिस्ट्रिक्ट की, ये मैंने गलत बता दिया, जनरल डिस्ट्रिक्ट 39 है। और मणिपुर ओबीसी की 15 वैकेंसी है, 15 12 180, देखिए पूरा पूरा हो गया है। मणिपुर बॉर्डर पर भी आते हैं और मणिपुर जनरल ईडब्ल्यूएस, मणिपुर जनरल ईडब्ल्यूएस खाली जाने वाली वैकेंसी पर अब हम आ जाएं कि मणिपुर जनरल ईडब्ल्यूएस 11 वैकेंसी है और 11 वैकेंसी के लिए कैंडिडेट कितना अवेलेबल है, एक कैंडिडेट अवेलेबल है और उनका भी 35.60 कुछ रहा है। अब इनका जो है वर्दी पक्की है इनकी, यदि ये क्वालिफाई कर जाते हैं, और क्वालिफाई नहीं करते हैं, अब ये 10 वैकेंसी बच गई, इसका क्या होगा, ये 10 वैकेंसी मणिपुर जनरल एरिया की हैं, तो जनरल एरिया का ईडब्ल्यूएस किसमें चला जाएगा, जनरल का यूआर में चला जाएगा।
ये ऐसा बीएसएफ की जो पीछे भर्ती हुई थी उसमें ऐसा ही हुआ था कि ईडब्ल्यूएस पूरा नहीं हुआ तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जनरल को दे दी गई, लेकिन एससी एसटी की और इनकी जो है ये दूसरे रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी सबको, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। अब हम बॉर्डर की बात करते हैं मणिपुर की, कि बॉर्डर में खाली रहेगी, बिल्कुल खाली रहेगी बॉर्डर में, और ऐसा एक में ही नहीं है कि ऐसा काफी जगह है बॉर्डर। मणिपुर बॉर्डर की यदि हम बात करें, एससी मणिपुर बॉर्डर, मणिपुर में बॉर्डर का एससी का कितनी वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, कैंडिडेट आए हैं 3, और ये 6 वैकेंसी जो है वो मणिपुर के किसकी हैं, आसाम राइफल के मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी, वैकेंसी है 6 और कैंडिडेट्स आए हैं 3, यानी तीनों यदि तीनों क्वालिफाई हो गए तो वर्दी पक्की है उनकी, और डिसक्वालिफाई हो गए तो क्या होगा। तो पहले तो ये था कि बॉर्डर की वैकेंसी जो खाली रह गई तो वो जनरल एरिया में उसी ये एससी में शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब इस बार होगा या नहीं होगा उसका हमें अभी कंफर्म नहीं है। यहां पर दो ही हैं तो वो, अब हम बात करते हैं मणिपुर ST65, मणिपुर ST बॉर्डर 65 है। 65 को आप 12672 12560 पूरा पूरा रहा है, कट ऑफ भी देखिए छूटा है पूरा। और मणिपुर ओबीसी की यदि हम बात करते हैं, मणिपुर ओबीसी बॉर्डर एरिया, मणिपुर ओबीसी बॉर्डर एरिया 25 वैकेंसी है, और 25 पर कैंडिडेट कितना बचा है, एक ही बचा है। तो यहां क्या हुआ, यहां क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं क्या। और मणिपुर जनरल, मणिपुर ईडब्ल्यूएस, मणिपुर ईडब्ल्यूएस बॉर्डर एरिया की यदि हम बात करें तो मणिपुर ईडब्ल्यूएस तो जनरल में ही कैंडिडेट नहीं आए तो बॉर्डर में भी कैंडिडेट नहीं है। बॉर्डर के मणिपुर बॉर्डर यूआर की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है, मणिपुर बॉर्डर 77 है, 12784 होना चाहिए था। अब वो वैकेंसी जो बॉर्डर वाली है ईडब्ल्यूएस की, वो बॉर्डर का यूआर में शिफ्ट हो जाए तो मणिपुर में खाली रहेगी। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं ऐसे ही मणिपुर की तरह नागालैंड की बात करते हैं, जहां पर पिछली बार भी खाली रहा था। इस बार आपको फिर दिखाते हैं नागालैंड का क्या स्थिति है, कि नागालैंड की यदि हम बात करें तो नागालैंड में ईडब्ल्यूएस जर्नल एरिया, नागालैंड ईडब्ल्यूएस जर्नल एरिया, नागालैंड ईडब्ल्यूएस जर्नल एरिया, यहां पर भी एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है। और नागालैंड ईडब्ल्यूएस जर्नल एरिया में 7 वैकेंसी है, यानी कि ये कैंडिडेट जो है इनकी वर्दी पक्की है यदि ये क्वालिफाई कर गए। और एसटी में कितना है, एसटी में जनरल एरिया का, जनरल एरिया का एससी का नागालैंड का वैकेंसी नहीं है। एसटी में जो जनरल एरिया का 34 वैकेंसी है, 12336 और 12448, यानी कि 12 गुना कैंडिडेट्स हैं पूरे पूरे। मणिपुर यूआर जनरल, सॉरी नागालैंड जनरल डिस्ट्रिक्ट यूआर कितना है, यूआर में तो कंपटीशन है, यूआर में कितनी वैकेंसी है, यूआर में नागालैंड की 37 वैकेंसी, 37, लेकिन लगभग कैंडिडेट जो है कितना है, 12224 12784 12336 360 पूरा कैंडिडेट यहां नहीं हुआ है। अब 307, और ये जो है मणि नागालैंड की यदि बॉर्डर एरिया की यदि हम बात करते हैं नागालैंड की, तो यहां पर क्या है, नागालैंड बॉर्डर एरिया एसटी, नागालैंड बॉर्डर एरिया एसटी कितना वैकेंसी है, 92 वैकेंसी है, और 139 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। 139 यानी कि जो पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, और हो सकता है यहां पर वैकेंसी खाली चली जाए। नागालैंड बॉर्डर एरिया यूआर का कितना है, नागालैंड बॉर्डर एरिया यूआर की 92 वैकेंसी है, और ये सभी आसाम राइफल के हैं। नागालैंड बॉर्डर एरिया यूआर 92 वैकेंसी, 92 है, कैंडिडेट्स कितना अवेलेबल है,
10 है तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ स्टेट यूटी ऐसे भी हैं हमारे नागालैंड सॉरी ये उड़ीसा उड़ीसा ईडब्ल्यूएस उड़ीसा नक्सल ईडब्ल्यूएस में भी हम देखते हैं तो 20 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और उड़ीसा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए हम ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हम देखते हैं तो उड़ीसा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो है वो 46 है। और कैंडिडेट्स कितना है, 20 है। तो ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसा काफी जगह है जहां पर ये सब प्रॉब्लम होगा या कि वैकेंसी खाली जाएगी। लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है वो दूसरे स्टेट को नहीं दी जा सकती। बॉर्डर एरिया की वैकेंसी खाली है वो भी पिछली भर्ती में ऐसा नहीं हुआ था कि वो जनरल एरिया को दिया गया, तो इस बार क्या होता है वो देखते हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो है वो तो रूल क्लियर है कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी यदि खाली रह जाती है तो वो जर्नल का जो है बॉर्डर की खाली रहती है, तो बॉर्डर के जर्नल को वैकेंसी दी जाए। और जर्नल डिस्ट्रिक्ट एरिया की खाली रहती है तो जर्नल डिस्ट्रिक्ट एरिया का जो यूआर है उसको वैकेंसी दिया जाए। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ में, और भी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। आपके कोई सुझाव हैं आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। आप क्वालिफाई हो गए हैं, रनिंग की तैयारी करें। रनिंग में भी अभी का जो अभी रनिंग हुआ है बीएसएफ ट्रेड सॉरी एसएसबी ड्राइवर का रनिंग हुआ है उसमें 30% के एवरेज में कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो जाए ध्यान रखना है, अभी से अपना रनिंग का तैयारी शुरू करें। और सुबह के टाइम पर ही रनिंग नहीं, शाम को भी करें, थोड़ा धूप में भी रनिंग करने की कोशिश करें ताकि आप हर तरह के मौसम में आपकी प्रैक्टिस रहे और आपको वहां पर जब रनिंग का टाइम आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद।